प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे से पहले इंदौर पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर में करीब 1,500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि महाकाल लोक का लोकार्पण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आकर उज्जैन जाएंगे। उनके आगमन से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी उज्जैन को बहुत पहले ही हाई अलर्ट मोड पर रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार समय समय पर उज्जैन पहुंचते थे। कैबिनेट मंत्री भी 2 दिन पहले पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया था, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की थी। कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र खुद मौजूद हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहले इंदौर आएंगे, उसके बाद उज्जैन रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस भी हाई अलर्ट पर बीते दिनों से ही सक्रिय है। सबसे महत्वपूर्ण कि किसी तरह के ड्रोन या किसी भी चीज को उड़ाना इस पूरे इलाके में 3 किलोमीटर में प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर आसपास के जो वेरिफिकेशन होते हैं, जो लोगों की जानकारियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ चीज़ें जो बड़ी आवश्यक होती है, उन सारे मापदंडों का पालन किया गया है। हमारे पास एक वरिष्ठ और तकनीकी रूप से दक्ष टीम है, उसका पूरी तरीके से उपयोग किया गया है। साथ ही साथ तकनीक के जो आधुनिकतम साधन है, उनका भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उपयोग किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण का मध्य प्रदेश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश के अलावा विदेशों में भी किया जाएगा। मुस्लिम देशों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक करीब 40 देशों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि हम महाकाल कॉरिडोर की भव्यता को मुस्लिम देशों में भी दिखाएंगे और वहां के मंदिरों में भी दीप और लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। कल 40 देशों के लोग, जिसमें यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूके, कनाडा, हॉलैंड, कुवैत और भी कई, इस प्रकार से हमारा 50 देशों का टारगेट है। कल 40 देशों के हमारे एनआरआई मध्य प्रदेश के रहने वाले बंधु जुड़े थे। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कल हम इस डीसी के अंदर उनके साथ जुड़े। आपको कल्पना नहीं होगी कि उनके मन के अंदर कितना इस बात को लेकर के उत्साह और आनंद है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए गौरव का क्षण है।